वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी में। तो जैसे मैंने कबूतरों को खाना डाला, कुछ तो कबूतर खा के उड़ गए, तो उनके उड़ने पे मेरे को एक बात याद आई कि सुजैन का और ऋतिक रोशन का आज तक का सबसे महंगा डाइवोर्स हुआ था। ऋतिक रोशन को अपनी वो मूवी जो थी ना, उसकी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें जो खुद का सीन है कि जो है जिंदगी वो जो यही जी लो यही मर लो, पैसा इतना कमा के क्या ही करना है। पैसा जरूरी है, लिमिटेड होना चाहिए, पर जिंदगी को पहले जीना जरूरी है। तो वो मूवी का वो सीन दिखा देना चाहिए था, तो शायद वो 550 करोड़ भी आज आप ही के होते, बीवी भी आप ही के पास होती, एक बेड पे दोनों आराम से फरमा रहे होते, नींद ले रहे होते, है ना। और तभी मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, बाबू को ये भी पूछना कि पानी पिया कि नहीं पिया, क्योंकि तुम्हारे बाबू ने थाना थाने के बाद टट्टी इतनी बदबूदार की है, इसलिए शादी तो करो जरूर, पर साथ में बाबू को यही पूछना पानी पिया कि नहीं पिया मेरे बाबू ने। किसी घर पे आके फ्लश यूज किया और पानी डालना भूल जाते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, पता सूखी टट्टी बहुत बदबूदार होती है। वरना बाबू का जो थाना था ना, गांड में रोल करके रोटी गांड में घुसेड़ देंगे, ना बाबू का थाना बाहर आ पाएगा, ना बाबू थाना थाने का सोच पाएगा। दुनिया में अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, हम सब ने एक दूसरे की फीलिंग्स या उनकी आस्था के साथ खेलना ही शुरू कर दिया है। आस्था कोई लड़की नहीं है, आस्था मतलब ये चप्पल अगर उल्टी पड़ी है तो घर में लड़ाई होगी, दूध अगर उबल गया तो लड़ाई होगी। अगर हर मुद्दे में लड़ाई होनी ही है तो हमारे घर में जो कल को कुकर फटा है उसका क्या सीन है, उसमें किसने कौन सी चप्पल उल्टी रख दी, कौन सा दूध फट गया था, या किसने कौन सी कैंची चला दी थी, फट गया ना कुकर वो ब्लास्ट हो गया, सब कुछ उड़ गया। ये देखो चूल्हे के तो चूल्हे रे चूल्हा रहे, चूल्हे 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 हो गए। हे गाइस मैं हूँ, ये हमारे फूफा जी हैं, यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, सफाई हो रही है। हे गाइस गप्पू के मुंडन में आए हैं और यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, सारे सफाई कर रही है, कुछ ज्यादा ही सफाई हो रही है। लगता दिवाली पे हमने पटाखे कम फोड़े थे, इसलिए इस बार कुकर ही फोड़ दिया हमने सीधा, सारे मोहल्ले वाले आ गए थे सर पे। दुनिया का सबसे घटिया काम ना बैंक में पैसे जमा कराना है, वो भी इतनी धूप में, ऊपर से बोल रहे हैं कि काउंटर नंबर 5 पे जाओ, ये भी साथ में आ रही है। तेरे गुत चपरा तो तेरे बुंड च रुमाल नहीं, मापिया ने किचे तेरे छट तेरे लाल नहीं। धूप कैसी है? दुनिया का एक सबसे बड़ा भ्रम पता क्या है, लड़के बाथरूम में ना यूं फ्रेश होते हैं। अरे मूर्खों, लड़कों को ही सबसे ज्यादा साइलेंस मेंटेन करने की आदत है, वो भी कैसे, समझदार अगर तुम होगे तो समझ जाओगे। पति अगर शादी के बाद अगर अपना कहीं बाहर चक्कर चलाए तो कूल लगता है, पत्नी अगर चक्कर चलाए तो डाइवोर्स पेपर चलता है। तीन चार दिन से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि फैमिली फंक्शन चल रहा था। फैमिली फंक्शन को ना फैमिली फंक्शन ही रहने देना चाहिए, ऐसे लोगों के सामने ब्लॉग बना के रंडी रोना नहीं रोने चाहिए, सबको दिखाना नहीं चाहिए घर में हमारे ऐसे ऐसे ब्लाउज पहनते हैं। बाकी मैंने आपको दिखाया घर में और क्या ही हो गया था फंक्शन के बाद, तो इसलिए ब्लॉग भी थोड़ा सा मैंने थोड़ा रोक दिया था तीन चार दिन, तो कोई दिमाग सेट नहीं हो पा रहा था उस सीन के बाद। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो मेरी दादी ने मारा करो। ओह माय गॉड ये क्या हो गया ब्रो, क्या क्या करके उसने मचाया था शोर, फिर क्या मेरी दादी ने मारा करो, छत पे चारा दादी डाल और करो आके चोंच मार, गुस्से से दादी लाल होगी ब्रो, फिर क्या ब्रो, दादी ने मारा करो, बचपन में सुनी थी करो की कहानी, अब देखो वो मर गया प्राणी। यार बात बस इतनी सी है, मेरी दादी ने मारा करो। ओह माय गॉड ये क्या हो गया ब्रो, बच्चे सारे घर में आए रो रो साले कैंडी खाएं, उम्र उनकी सिर्फ 4 थी ब्रो। What the fuck is this bro? दादी ने मारा करो। क्या ही गांजा फूक के वीडियो बनाया मैंने ये। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी को, और बने रहो मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।